सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इट्स का प्रोडक्शन। एंड आज की वीडियो पर मैं दिखाने वाला हूँ इंडसॉफ्ट एप्लीकेशन में कैसे इफेक्ट को फ्रीली यूज कर सकते हैं। मीन सर फ्लैश इफेक्ट, ग्लिच इफेक्ट, शेक इफेक्ट, जूम इन, जूम आउट, इन इफेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, अपने वीडियो पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड अब वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले अपने इंडसॉफ्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपके सामने यहाँ पे थ्री ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एक वीडियो, फोटो, कॉलेज। तो सिंपली से आपको क्या करना है, अपने वीडियो पे क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद अपना वीडियो को जस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो जो वीडियो पे आपको वर्क करना है जस्ट उस वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। सो फिलहाल मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट एक और वीडियो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ एंड डन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम मैंने दो वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, दोनों में हम इनसे सारा इफेक्ट अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहले तो यार ये जो ब्लरी ब्लर दिख रहा है इसे हम पहले हटा लें। तो इसे रिमूव करने के लिए कैनवास पे आपको क्लिक करना है एंड 9:16 को सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपका मीन से ऐसा होता कि आपका वीडियो जो होता वो हॉरिजेंटल ना होकर वर्टिकल होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहीं पर कैनवास पे आते एंड 16:9 को सेलेक्ट कर लेते, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, सो 9:16 को भी हम रखते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कुछ इस तरीके से हो चुका है। देन नेक्स्ट क्या करना है, हमें इफेक्ट्स अप्लाई करना है। सो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली से आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले ग्लिच की अगर बात की जाए तो ग्लिच का देख सकते हो यहाँ पे हमें ग्लिच कैटेगरी मिल गया। इस ग्लिच में आपको देख सकते हो बहुत सारे ग्लिच इफेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से जो ग्लिच इफेक्ट आपको रिक्वायर्ड है जस्ट उस ग्लिच इफेक्ट को आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हो। एंड एक और तरीका मैं बताने वाला हूँ जहाँ से कि आप ग्लिच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मीन से दो ग्लिच इफेक्ट है जो कि यूज करने लायक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक तो ये ग्लिच इफेक्ट एंड ये एक टीवी वाला, ये भी मीन्स उतना सही नहीं है बट एक ही ग्लिच इफेक्ट है जो कि यूज करने लायक है। सो यार यहाँ से हम ग्लिच इफेक्ट नहीं यूज करें, ठीक है। ग्लिच इफेक्ट के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। सिंपली से आपको जहाँ पे भी ग्लिच इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होना जस्ट वहाँ पे जाना एंड देन उसके बाद अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक करना एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लिच का एक इतना सारा मीन्स भंडार लगा हुआ है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, वो फालतू हालांकि क्यों यूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लिच इफेक्ट काफ़ी सही वाला है, ये भी सही है, ये भी सही है, मीन्स ये तो ग्लिच के साथ फ्लैश इफेक्ट भी दे दिया है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो और यहाँ पे सबसे बेस्ट वाला एक ग्लिच इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है मुझे तो यार, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आप देख लेना कौन सा आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ से मीन्स आप ग्लिच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो डन पे हम क्लिक कर दें एंड वीडियो को प्ले करके मैं दिखाता हूँ ये ग्लिच इफेक्ट हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम फ्लैश इफेक्ट की बात करते हैं। सो फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली से आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा, देन फिर से आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको बीट्स में आना है, ठीक है। बीट्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आप व्हाइट को जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना एंड इंटरवल को जस्ट आपको थोड़ा डिक्रीज करना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये इफेक्ट इतना बड़ा आ चुका है, इतना बड़ा नहीं रखना है आपको, जस्ट स्प्लिट करना है एंड ये वाला पार्ट को रिमूव करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से करके मीन्स आपका ये फ्लैश इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ब्लैक फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करना, देन वही यार इफेक्ट पे जाना एंड बीट्स पे जाने के बाद ये व्हाइट वाले के बगल में आपको ब्लैक भी मिलेगा। सो आप इसे रख सकते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ा देना और इंटरवल को कम कर देना। देन आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे ये ब्लैक में भी आ चुका है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इंटरवल कम हो चुके हैं तो इसको मीन्स मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ एंड देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले, शेक इफेक्ट अप्लाई करने वाले। सो शेक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए वही सेम प्रोसेस है हमारा, हमें सिंपली से क्या करना होगा, अपने फिल्टर पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप बीट में जैसे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो शेक इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो आप इसे अप्लाई करना, यहाँ पे शेक इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डन पे हम क्लिक करते हैं और वही बात ये रही, यहाँ से अगर आप स्ट्रेंथ चाहते हो ज़्यादा रखना देन ज़्यादा रखना, इंटरवल आप जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा रखना एंड डन पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शेक इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा देने की वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मीन्स अपना वीडियो के हिसाब से देख लेना और इसका ड्यूरेशन को मीन्स इसी तरीके से छोटा रखना, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं, तो कम करने के लिए एडिट पे क्लिक करना है एंड इसका स्ट्रेंथ को यहाँ से आप कम कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा शेक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। डन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड इस बार जस्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले, कोई इफेक्ट अप्लाई करने वाले जैसे कि ये सब इफेक्ट। तो इन सब इफेक्ट को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे आपको बहुत सारे और इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे कि ये जूम इन वाला है, जूम आउट वाला इफेक्ट है। तो देखो जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट क्रिएट करने का तो यार ये एक तरीका हो गया कि मीन्स यहाँ पे आप फिल्म पे आओ एंड जूम को सेलेक्ट कर लो। एक और तरीका है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल हम कुछ इफेक्ट को यहां से देख लेते हैं कैसा लगता है, ठीक है।
आप अपने वीडियो पे मींस कुछ ओवरले टाइप का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो देन यार आपको रेट्रो में काफी अच्छे वाले इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो। इन सब इफेक्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो रेट्रो, रेट्रो टू, इन सब में मीन्स आपको क्या अपने वीडियो के ऊपर आप अप्लाई करने वाले इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लेना अगर आपको कोई इस टाइप का इफेक्ट चाहिए देना आप रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम डन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट अप्लाई करते हैं। सो जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए फिल्टर से जाकर नहीं करने का है, क्या करना है आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है, ट्रांजिशन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप सुपर पे आओगे तो यहाँ पे आपको दो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जूम इन एंड जूम आउट, तो आप इनमें से किसी एक को यूज कर लेना, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है उसे जस्ट आप इंक्रीज करना एंड डन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो जूम इन इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है कुछ इस तरीके से, शायद से यहीं पे हमारा सेक इफेक्ट है इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है, तो सेक इफेक्ट को हम कट करते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें हमारा जूम इन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ पे जूम आउट रख सकते हो, जस्ट इफेक्ट को चेंज करना एंड जूम आउट इफेक्ट हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इसे एडिट कर सकते हो, एडिट करने के बाद मीन से इतने सारे इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद सेव पे क्लिक करना, यहाँ से अपना रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना, देन सेव पे क्लिक कर देना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।